हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम टॉपर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉप थर्टी एम की डिटेल में डिस्कस करेंगे ये स्टैटिक जीके की सीरीज़ का पार्ट ट्वेंटी एट है स्टैटिक जीके से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले रेलवे एन ग्रुप डी एस एस सी सी जी बैंक और आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है या आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे ये स्टैटिक जीके का ट्वेंटी एट्थ वीडियो है तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय सिनेमा पर पहली बार मनोरंजन कर कब लगाया गया था तो दोस्तों वह लगाया गया था 1920 के दशक में ठीक है भारत में हर वित्तीय लेन देन जो मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट से जुड़ी होती है जैसे फिल्म टिकट प्रमुख कमर्शियल शो या कोई बड़ा निजी त्यौहार उन पर जो है मनोरंजन कर यानी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है और भारतीय संविधान के अनुसार मनोरंजन कर जो है सूची दो के अंतर्गत आता है इससे कमाया हुआ राजस्व जो है आमतौर पर राज्य सरकार को जाता है याद रखिएगा दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो दोस्तों वह कहाँ पे है बताइए वह है दोस्तों मैड्रिड में ठीक है दोस्तों विश्व पर्यटन संगठन जो है अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1974 में जो है इसकी स्थापना हुई थी मुख्यालय कहाँ पे है मैड्रिड स्पेन में याद रखिएगा हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों का समझौता का संबंध किससे है तो दोस्तों वेर रिलेटेड किससे है गंगा नदी से ठीक है फरक का बांध यानी बैराज जो है भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बना एक बांध है और ये बांध जो है बांग्लादेश की सीमा से मात्र दस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है याद रखिएगा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी तो दोस्तों वह कब की गई थी 1927 में याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थित है वह है कोलकाता में ठीक है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है कोलकाता में स्थित है और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटनिका सर्वे ऑफ इंडिया या फिर आप कह सकते हैं बी एस आई ये जो है दोस्तों भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान है जो पौधों की वर्गी की और उनके संरचना का क्या करती है अध्ययन करती है स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1887 में अंग्रेजी राज के समय में हुई थी जिसका उद्देश्य क्या था ब्रिटिश साम्राज्य के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करना ओके okay, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एजेंट ऑरेंज क्या है तो दोस्तों वह क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन ठीक है एजेंट ऑरेंज जो है दोस्तों 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान वन और फसलों को खत्म करने के लिए अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा उपयोग किया गया क्या है एक शक्तिशाली तृण नाशक ठीक है और युद्ध के दौरान जो है अमेरिका ने वियतनाम के देहाती और जंगली इलाकों में करोड़ों गैलन कीटनाशक किया करे थे एजेंट ऑरेंज बसाए थे ओके दोस्तों हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे वह सेलिब्रेट किया जाता है आठ मार्च को ठीक है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखिएगा और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एग्जाम चौपर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पंचतंत्र का लेखक कौन है बताइए किसने लिखी है दोस्तों ये तो वह है विष्णु शर्मा ठीक है संस्कृत नीति कथाओं में जो है पंच पंचतंत्र इसका पहला स्थान माना जाता है और यद्यपि दोस्तों ये पुस्तक जो है अपने मूल रूप में नहीं रह गई है फिर भी उपलब्ध अनुवादों के अनुधार पर जो है क्या है इसकी रचना तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है याद रखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश पादुकोण कौन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित तो है तो दोस्तों वह किससे रिलेटेड है बैडमिंटन से ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक कौन थे तो दोस्तों उनका नाम है नरेश मित्रा ठीक है हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है तो दोस्तों वह कौन सा राज्य है वह है दोस्तों केरल ठीक है ईसाइयों की जो संख्या है दोस्तों सबसे ज्यादा केरल में है जहाँ उनकी संख्या दोस्तों कितनी है इकसठ लाख इकतालीस हज़ार दो सौ उनहत्तर ठीक है जो कुल आबादी का कितना परसेंट है एटीन पॉइंट थर्टी एट परसेंट इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें दूसरे नंबर पर तो दूसरे नंबर पर कौन सा आता राज्य वह है, है तमिलनाडु जहां उनकी जो संख्या है दोस्तों वह है चवालीस लाख अट्ठारह हज़ार तीन सौ इकतीस जो कुल आबादी का कितना परसेंट है सिक्स पॉइंट ट्वेल्व याद रखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है तो वह दिया जाता है विज्ञान क्षेत्र में ठीक है शांति स्वरूप भटनागर जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार वार्षिक रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा उल्लेखनीय और असाधारण अनुसंधान अप्लाइड और मूलभूत श्रेणी के जीव वैज्ञानिक रासायनिक पार्थिव पर्यावरणीय सागरीय एवं ग्राहिक अभियांत्रिक गणितज्ञ चिकित्सा और भौतिकी विज्ञान के क्षेत्रों में दिए जाते हैं याद रखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नोक्त भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है तो उनका नाम है डॉक्टर एस राधा कृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सी प्रतिवर्ष एक स्थान पर आयोजित नहीं होती तो दोस्तों वह कौन सी है प्रतियोगिता बताइए वह है डेविस कप याद रखिएगा और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग तो शेयर जरूर करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उबेर नाम की जानी मानी कैब कंपनी ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस सेलिब्रिटी को नियुक्त किया है तो उनका नाम है दोस्तों विराट कोहली ठीक है हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है तो दोस्तों वह कहलाते हैं डॉक्टर के सी ठीक है दोस्तों जो के सी है ये भारत के रॉकेट मैन कहलाते हैं इसके अलावा दोस्तों ये जो है इसरो के हेड हैं और इनका पूरा नाम क्या है तो वह कैलाश वदावी सिवान जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष हैं याद रखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई तो बताइए कब की गई थी वह हुई थी दोस्तों 1972 में ठीक है अगस्त 1969 में जो है दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की क्या हुई थी इसके द्वारा दोस्तों जो है 1972 में हुई थी इसकी स्थापना ठीक है माफ़ कीजिएगा भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग का गठन ठीक है जून हुआ था 1972 में और इसके अलावा दोस्तों अंतरिक्ष जो विभाग है उसकी स्थापना की गई और सितंबर अगर 1972 की बात करें तो इसमें इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया ठीक है तो याद रखिएगा अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना है दोस्तों वह हुई थी नाइन्टीन में ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है तो दोस्तों वह है जापानी भाषा ठीक है हमारा नाइनटीन क्वेश्चन है दोस्तों पुस्तक नाइनटीन फोर्टी फोर किसके द्वारा लिखी गई है तो उनका नाम क्या है बताइए वह है दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल ओके हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है तो दोस्तों उनका रिलेशन है तीरंदाजी से ठीक है लिम्बा राम जो है दोस्तों एक भारतीय तीरंदाज हैं जिन्होंने तीन ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया इसके अलावा दोस्तों नाइनटीन में जो है बीजिंग में एशिया तीरंदाजी चैम्पियनशिप में जो है तीरंदाजी विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और उन्हें दोस्तों 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है बताइए तो दोस्तों वह कौन सा है दिन वह है दस दिसंबर ठीक है और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज और क्वेश्चन के लिए एग्जाम टॉपर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें हर सोसाइट्स पेज पर पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है मैचिंग बतानी है तो दोस्तों वह है कैफी आजमी आतीस ए गुल ठीक है ये क्या है मैचिंग नहीं है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों संक्षिप्त पद एम पी एल ए डी एस में डी से कौन सा शब्द बनता है तो बताइए डी स्टैंड फॉर तो दोस्तों वह है डेवलपमेंट सबसे बात पहले बात करते हैं दोस्तों हम एम पी एल ए डी एस जिसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम ठीक है ये क्या है इज अ स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ट्वेंटी थर्ड दिसंबर नाइनटीन नाइनटी थ्री डैट एनेबल्स द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स टू रिकमेंड डेवलपमेंटल वर्क इन देयर कंस्टिट्यूशंस विद एन एम्पेसिस ऑन क्रिएटिंग ड्यूरेबल कम्युनिकेटी कम्युनिटी एसेट्स बेस्ड ऑन लोकेलिटी फेल्ट नीड्स ओके दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूरिया बनाने के लिए अमीनो अम्ल की अधिक तक कहाँ टूटती है तो बताइए कहाँ पे टूटती है अमीनो अम्ल की अधिकता यूरिया बनाने के लिए तो दोस्तों वह है यकृत में ठीक है हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ईबीरिया किस देश की विमान सेवा प्रदाता कंपनी है तो दोस्तों वह है की ठीक है दोस्तों नाइनटीन ट्वेंटी uh, सेवन में जो है संस्थापित अबीरिया स्पेन की राजकीय विमान सेवा है और मैड्रिड में स्थित है जो एयरलाइंस है अपने मुख्य आधार स्थलों यानी बर्जस एयरपोर्ट और बार्सिलोना एल प्राट एयरपोर्ट से कई सारे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करती हैं ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं तो उनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल ठीक है Animal Farm is an allegorical novella by George Orwell, first published in England on 17 August 1945. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक खिलाड़ियों को आउट करने का श्रेय किसे प्राप्त है तो दोस्तों उनका नाम क्या है मुथैया मुरलीधरन ठीक है बात करें अगर दोस्तों वनडे क्रिकेट की यानी कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इसमें सबसे ज़्यादा जो शतक है और सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी जो कि थे दोस्तों सचिन तेंदुलकर उनके नाम पे हैं सचिन ने जो है दोस्तों कुल अठारह रन बनाए थे और जबकि सबसे ज़्यादा विकेट लेने का श्रेय जो है दोस्तों वह किसको है श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुथैया मुरलीधरन को इसके अलावा दोस्तों जो सबसे ज्यादा लगातार मैच जीतने का रिकॉर्ड किसको प्राप्त है अगर बात करें तो वह है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान में एक किलोबाइट का मान कितना होता है इज इक्वल टू बताना है तो वह है एक हजार चौबीस बाइट ठीक है एज द नंबर गेट बिगर वी स्टार्ट टू एवरी दैम विद किलो जी गीगा द क्लोएस्ट स्पेस नंबर टू वन थाउजेंड यानी किलो इज वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर हैंड्स इट वॉज एब्रीवेटेड टू के सो वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट इज इक्वल टू वन किलो बाइट ओके दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है तो वह है दोस्तों मोरारजी देसाई ठीक है भारत के स्वाधीनता सेनानी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को जो भारत रत्न है सम्मान 1991 में मिला और वे प्रथम जो है कौन थे प्रधानमंत्री जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजे अन्य दल से थे इसके अलावा दोस्तों वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो भारत रत्न के अलावा सर्वोच्च सम्मान जो किए निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किए गए हैं और दोस्तों मोरारजी देसाई जो है एटीन की जो उनकी एज थी उसमें आयु थी ठीक है प्रधानमंत्री बने थे जब वो याद रखिएगा हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों वह है रिचर्ड एटनबरो ने ठीक है तो दोस्तों ये थे स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट टॉप थर्टी एम सी क्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर जरूर करें और एग्जाम चॉपर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच दोस्तों